हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है अभी, और हम इसमें हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक शायद हमने इसके टू लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले ना मेरे उन टू लेक्चर्स को देखिएगा, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। आज देखिएगा, आज हम इस चैप्टर में और भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ये क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, हुज वर्टेक्सेस आर द पॉइंट्स। उस ट्राइंगल के जो वर्टेक्सेस हैं वो उन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो क्या है, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, किस पर, आर्गन डायग्राम पर। तो उस ट्राइंगल का एरिया आपको ना ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आपको ना एक आर्गन प्लेन दे रखा है, इधर देखिएगा। आर्गन प्लेन क्या होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, इस आर्गन प्लेन पर आपको थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं, थ्री पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, ट्राइंगल ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये इसके वर्टेक्सेस हैं ए बी सी, देखिएगा इनके करस्पॉन्डिंग ये जो वर्टेक्सेस दे रहे हैं, जैसे ये दे रखा है आपको जेड वन, और ये वर्टेक्स आपको क्या दे रखा है, देखिएगा जेड टू, और ये वर्टेक्स क्या दे रखा है आपको, जेड थ्री। आपको ना इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं, आप लिखिएगा लेट जेड वन, तो जेड वन, जेड वन देखिएगा किस तरह से आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, एक्स वन प्लस आई वाई वन। जेड टू आप किस तरह लिखेंगे, एक्स टू प्लस आई वाई टू। एंड जेड थ्री आप किस तरह से लिखेंगे, एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री। तो ये क्या है, आपको वर्टेक्सेस गिवन है, वी द वर्टेक्सेस, ठीक है ना, किसके वर्टेक्सेस हैं, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के वर्टेक्सेस हैं। तो आप ये देख रहे हैं जेड वन करस, जेड वन नंबर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, एक्स वन बाई वन। तो अगर कोऑर्डिनेट की टर्म्स में देखा जाए तो ये जो हमारा ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वन कॉमा वाई वन। ये जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स टू कॉमा वाई टू। ये जो सी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। ठीक है, अब आपको ना इस ट्राइंगल का एरिया आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो अब आप लिखिएगा देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसका एरिया निकालिएगा। तो एरिया जो कोऑर्डिनेट का हमने फार्मूला पढ़ा है कोऑर्डिनेट्स में एरिया फाइंड आउट करने का, उसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। हाफ डिटरमिनेंट में देखिएगा एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री, फिर आप देखिएगा वाई वन, वाई टू एंड वाई थ्री, उसके बाद वन वन वन। आप लोग प्रूफ देखो, ये एरिया जो आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ रहा है, तो हमें यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनाना पड़ेगा। देखिएगा हमने क्या करा, वन अपॉन टू आई, आई से डिवाइड। तो देखिएगा आई से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये क्या आएगा, आई वाई वन, आई वाई टू एंड आई वाई थ्री, ये आपका वन वन वन, ये आ गया आपका। ठीक है, आई के साथ क्यों करा, देखिए ना ये जो आयोटा आ रहा है वो वाई वन के साथ आ रहा है, वाई टू के साथ आ रहा है, वाई थ्री के साथ आ रहा है। तो अब इसमें ना थोड़ा सा एक ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए डिटरमिनेंट में सी टू में सी टू, सी टू प्लस सी वन। तो देखिएगा यहाँ पर हमने ये ऑपरेशन को यूज़ किया, तो आप लोग देखिएगा एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री। ठीक है, सी टू में हम सी वन ऐड कर रहे हैं, तो एक्स वन प्लस आई वाई वन, फिर देखिएगा एक्स टू प्लस आई वाई टू, फिर स्टूडेंट देखिएगा एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री, वन वन वन, ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो आप लोग ये देखिएगा वन अपॉन टू आई, ये आपका एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री। आप देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से जेड वन, जेड टू एंड जेड थ्री, ये बन चुका है आपका जेड वन, जेड टू एंड जेड थ्री, वन वन वन। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए या इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसकी वैल्यू सेम रहता है। तो हमने क्या करा, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया, रो को ना कॉलम में चेंज कर दिया, देखिए इस रो को कॉलम में, देखो एक्स वन, जेड वन, वन, एक्स टू, जेड टू और वन, फिर आपका एक्स थ्री, जेड थ्री एंड वन। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा अब आप, तो देखिएगा ये हम सॉल्व करते हैं, वन अपॉन टू आई, एक्स वन ये आपका आएगा जेड टू माइनस जेड थ्री, फिर आप देखिएगा माइनस एक्स टू, उसके बाद देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं तो जेड वन, ठीक है ना, देखिएगा आप जेड वन माइनस जेड थ्री, और फिर स्टूडेंट देखिएगा आपका एक्स थ्री, ये एक्स थ्री लिखा हुआ है भाई, तो ये क्या आएगा आपका जेड वन माइनस जेड टू, फिर आप देखिएगा वन अपॉन टू आई, एक्स वन, जेड टू माइनस जेड थ्री, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, जेड थ्री माइनस जेड वन,
फिर आप ये देखिएगा जेड वन माइनस जेड टू इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आप देखिएगा प्रूफ में जो आ रहा है ना समेशन के टर्म्स में आ रहा है, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, जेड टू माइनस जेड थ्री, फिर जेड थ्री माइनस जेड वन, फिर जेड वन माइनस जेड टू। तो देखिएगा हमने यहाँ क्या करा, आप देखिए ना जेड टू माइनस जेड थ्री, देखो जेड टू माइनस जेड थ्री आ रहा है, इसको ना समेशन की टर्म्स में लिख लिया। तो आप लोग देखिएगा ये साइक्लिक ऑर्डर में चले ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो इसको ना हमने किस में लिख लिया एक समेशन, कोई सी भी एक टर्म को आप लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रूफ हम करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये जेड वन है, जेड वन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था एक्स वन प्लस आई वाई वन था कि नहीं। अब इसका आप कंजुगेट फाइंड आउट करना, तो क्या आएगा एक्स वन माइनस आई वाई वन। अब आप जरा इन दोनों को ऐड करिएगा जेड वन प्लस जेड वन बार, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा ट्वाइस एक्स वन, फिर आप एक्स वन की वैल्यू देखिएगा जेड वन प्लस जेड वन बार अपॉन में क्या आ जाएगा टू। आप ये देख रहे हैं एक्स वन की वैल्यू आ रही है, इस एक्स वन की वैल्यू को आप यहाँ पुट करिएगा, तो ये देखिएगा वन अपॉन टू आई समेशन में चल रहा है एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू आप पुट करेंगे जेड वन प्लस जेड वन बार और अपॉन में टू, और ये देखिएगा कितना आ रहा है जेड टू माइनस जेड थ्री, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं वन अपॉन फोर आई, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा। और इसको ना समेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ समेशन जेड वन जेड टू माइनस जेड थ्री, फिर आप देखिएगा इसके ना दो ब्रैकेट्स में हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया जेड वन बार, ये क्या बचेगा जेड टू माइनस जेड थ्री, इस तरह से हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आप देखिएगा वन अपॉन फोर आई, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा समेशन, और ये क्या बचेगा जेड टू माइनस जेड थ्री, फिर आप देखिएगा समेशन जेड वन बार और जेड टू माइनस जेड थ्री, ठीक है, ये वैल्यू आ गया है। फिर आप देखिएगा वन अपॉन फोर आई, अब ये ना जैसे समेशन आ रहा है ये हम ऑपरेट कर देते हैं, तो इस साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जेड टू माइनस जेड थ्री, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा जेड टू, और ये क्या आएगा जेड थ्री माइनस जेड वन, फिर इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा आपका जेड थ्री, और ये जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है, ये वैल्यूस आ गया। बाकी का ये जो समेशन चल रहा है इसको आप ऐसे लिखिएगा जेड वन बार जेड टू माइनस जेड थ्री, देखिएगा ये शायद फर्स्ट टर्म आपके सभी कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन फोर आई, इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं जेड वन जेड टू माइनस जेड वन जेड थ्री, जेड टू जेड थ्री माइनस जेड वन जेड टू, फिर आप देखिएगा जेड वन जेड थ्री माइनस जेड टू जेड थ्री, और फिर देखिएगा समेशन आपका जेड वन बार और जेड टू माइनस जेड थ्री। अब आप लोग देखिएगा जेड वन जेड थ्री ये कैंसिल, आपका जेड टू जेड थ्री ये कैंसिल, जेड वन एंड जेड टू ये कैंसिल, कहने का मतलब ये जो पूरा टर्म था वो पूरी तरह से कैंसिल हो गया, अब आपका ये टर्म बचा है यहाँ पर। तो ये देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, तो ये देखिएगा क्या निकल के आता है आपके पास वन अपॉन फोर आई, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, और ये क्या बचता है आपका समेशन देखिएगा जेड वन बार और जेड टू माइनस जेड थ्री, ठीक है। लेकिन अभी देखिएगा ये हमारा प्रूफ नहीं आ रहा है, जेड टू माइनस जेड थ्री आ रहा है, फोर आई सही आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है जेड वन आ रहा है। तो देखिएगा बस हमने यहाँ क्या करा वन अपॉन फोर आई समेशन ये चल रहा है आपका देखिएगा जेड वन बार जेड टू माइनस जेड थ्री, हमने क्या करा जेड वन से मल्टीप्लाई और जेड वन से डिवाइड, देखो जेड वन से मल्टीप्लाई जेड वन से डिवाइड। आपको मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी बताई थी मोड जेड का स्क्वायर क्या होता है भाई जेड इंटू जेड बार, तो आप देख रहे हैं जेड इंटू जेड बार क्या होगा मोड जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है हमारा ए बी सी इसका जो एरिया निकल कर आया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिएगा समेशन में आप ये देख रहे हैं ये ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या आ रहा है जेड टू माइनस जेड थ्री, फिर जेड वन इंटू जेड वन वार, तो हम क्या लिख सकते हैं मोड जेड वन का स्क्वायर, फिर अपॉन में देखिएगा फोर आई ये आपका चल रहा है और जेड वन ये आ गया आपका। तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो ये निकल कर आना चाहिए।
देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, शो दैट द ओरिजन, एक आपको ओरिजन गिवन है एंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के दो रूट्स निकल कर आएंगे, वो जो दो रूट्स हैं और एक आपका ये ओरिजन है, वो वर्टेक्सिस आपको दे रखा है, किसका दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का लिखा नहीं है। शो दैट द ओरिजन एंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा कब बनाएगा, इफ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3q। कहने का मतलब यह है कि आपको एक ओरिजन और दो रूट्स, इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो उस ट्राइंगल का क्या दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है। तो वो ट्राइंगल क्या है आपका, इक्विलेटरल। अगर ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल मानकर चलते हैं तो आपको ना ये कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा, या ऐसा कर सकते हैं ये कंडीशन लेकर चलो ट्राइंगल को, क्या प्रूफ कर दीजिए आप, इक्विलेटरल प्रूफ कर दीजिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, ऐसा है हमारे पास ये क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी हैव देखिएगा जेड स्क्वायर पी जेड प्लस क्यू बराबर जीरो। तो आप ये देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सिंपल सी बात है इसके दो रूट्स होंगे। तो देखिएगा हमने लेट कर लिया, लेट जेड वन कॉमा जेड टू वी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स हैं आपके, ठीक है ना। तो देखिए जब इसके रूट्स हैं तो आप यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल लीजिएगा, जेड वन प्लस जेड टू। तो देख रहे हैं जेड सम ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए तो माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जेड वन इंटू जेड टू फिर क्या आएगा आपका सी अपॉन ए, तो ये क्यू आ गया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिएगा ये यहाँ पर क्या कहना चाहिए, जैसे हमारे पास ये आर्गन डायग्राम है, देखिएगा एक्स ओरिजन ये आपका वाई। तो आप देख रहे हैं इन्होंने क्या कहा है कि एक तो ओरिजन तो हमारा ये हो गया, और सपोज इस तरह का ट्राइंगल हो गया आपका, जैसे ये बना सकते हैं कैसे भी शेप बना दीजिए आप ये। तो एक तो ओरिजन हो गया आपका ये जेड इक्वल्स टू क्या है जीरो, और एक आपका ये जेड वन, ये आपका क्या है जेड टू, ठीक है, इससे पॉइंट ए कह दीजिए। अगर इस ट्राइंगल को आप इक्विलेटरल ट्राइंगल मानकर चलते हैं तो आपको ना ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, नाउ इफ जेड वन जेड टू और एक क्या हमारा ओरिजन, एंड चलो जेड थ्री को हमने क्या मान लिया यहाँ जीरो मान लिया, जो ओरिजन दे रखा है जेड थ्री इक्वल्स टू जीरो वी द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो है ना वो वर्टेक्सेस दे रखे हैं किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। आपको मैंने एक एग्जांपल कराया था कि अगर जेड वन जेड टू हमारे पास वर्टेक्सेस हैं किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो देखिएगा हमारे पास कंडीशन क्या थी, वी हैव ठीक है जेड वन जेड टू जेड थ्री इफ द वर्टेक्सेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कंडीशन ये थी जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू जेड वन जेड टू जेड टू जेड थ्री और जेड थ्री जेड वन, ठीक है। ये मैंने ना आपको ये एग्जाम्पल, ये मैंने आपको ना क्वेश्चंस करा रखा पिछले लेक्चर्स में, देखिएगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा जेड वन आप एस इट इज रखिएगा, जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर, आप देख रहे हैं जेड थ्री की वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो, तो जीरो लिख दीजिएगा। फिर आप देखिएगा जेड वन जेड टू और जेड थ्री की वैल्यू कितनी है जीरो, ये जीरो लिखा। यहाँ पर भी देखिएगा जेड थ्री की वैल्यू क्या है जीरो, जेड थ्री जो है ना वो हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया यहाँ पर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स आपका जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है जेड वन जेड टू, इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड कह दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा नाउ हमने ना ये लेकर चलना है जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, देखिएगा किसके इक्वल होता है जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड वन जेड टू। तो अब आप ये देखिएगा जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, आप ये देखिएगा जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर, आप इस वैल्यू को देखिएगा जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर किसके इक्वल है जेड वन इंटू जेड टू और ट्वाइस जेड वन जेड टू। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, आप देखिएगा ये कितना हो गया थ्राइस जेड वन जेड टू। आप ये वैल्यू रखिएगा जेड वन प्लस जेड टू की वैल्यू कितना है माइनस पी, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा माइनस पी का स्क्वायर जेड वन इंटू जेड टू, ये वैल्यू कितनी है क्यू, ये क्यू रख दीजिएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री क्यू। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या प्रूफ करना था आपको, यही कंडीशन प्रूफ करनी थी। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड वन जेड टू जेड थ्री, आपको इस इक्वेशन की रूट्स गिवन है, इन विच ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स ए बी सी ऑन द आर्गेंड प्लेन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। आपको ना इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है, और अगर ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल है तो ये कंडीशन आपको प्रूफ करके लाना है। तो देखिएगा आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एक तो ये इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन लिखिए आप एक्स क्यूब प्लस थ्री ए एक्स स्क्वायर
और प्लस 3vx प्लस c इक्वल्स टू 0। जेड वन जेड टू इसके क्या है, जेड वन जेड टू जेड थ्री आपको क्या दे रखे हैं, इसके रूट्स दे रखे हैं, जेड वन जेड टू जेड थ्री वी द रूट्स, ये ना आपको रूट्स दे रखे हैं, किसके रूट्स दे रखे हैं, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के। तो देखिएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अगर आप जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस थ्री ए अपॉन ए, ए कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो कितना जाएगा माइनस थ्री ए, सेकेंड इक्वेशन कह दीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आएगा जेड वन जेड टू और जेड टू जेड थ्री एंड जेड थ्री जेड वन, ये आपका आएगा सी अपॉन ए, तो सी देखिए कितना है थ्री वी अपॉन ए कितना है वन, तो कितना आएगा थ्री वी, थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से अगला रूट्स आएगा जेड वन जेड वन जेड टू और जेड थ्री, माइनस प्लस फिर माइनस आएगा माइनस, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा आपका सी, ठीक है अपॉन ए, तो कितना जाएगा माइनस सी, इसे आप इक्वेशन नंबर फोर्थ कह दीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का ना आपको सेंट्रोइड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिएगा ट्राइंगल आपका इस तरह से होगा इस आर्गन प्लेन पर, ठीक ये आपका ट्राइंगल है, देखिएगा जैसे ट्राइंगल ए है, इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन, इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू और इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड थ्री। तो देखिएगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, जैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू वाई थ्री प्लस डिवाइडेड बाई थ्री। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सेंट्रॉइड क्या होगा, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। तो इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड को ले लीजिए आप, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आप देख रहे हैं जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री कितना आएगा माइनस थ्री ए, तो देख रहे हैं जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डिवाइडेड बाई थ्री कितना जाएगा माइनस ए। तो आप ये देख रहे हैं ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो कितना आ गया माइनस ए। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया। इसी तरह से अब ये कह रहे हैं अगर ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल है तो ये कंडीशन आपको प्रूफ करने करके लाना, तो अपना वही इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, तो देखिएगा उस कंडीशन का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, लिखिएगा नाउ इफ जेड वन जेड टू जेड थ्री वी द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारे पास क्या वर्टेक्सेस हैं, किसकी वर्टेक्सेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी की। तो देखिएगा कंडीशन क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टेक्स के लिए, जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू जेड वन जेड टू जेड टू जेड थ्री एंड जेड थ्री जेड वन। तो इस कंडीशन का हमने यूज़ किया, इसे आप कह दीजिएगा फिफ्थ इक्वेशन। तो अब इसके बाद ना नाउ आप ये यूज़ करिएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं, देखिएगा जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर और जेड थ्री स्क्वायर ट्वाइस, ये क्या आएगा जेड वन जेड टू और जेड टू जेड थ्री जेड थ्री जेड वन, ये आ गया हमारे पास। फिर अब आप लोग यहाँ देखिएगा, देखिएगा जैसे जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री ये वैल्यू तो हम यहाँ पुट कर देंगे और इक्वेशन नंबर फाइव का यूज़ आप यहाँ कर लीजिएगा, देखिएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का स्क्वायर, देखिएगा जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा देखिएगा किसके इक्वल है, जेड वन जेड टू जेड टू जेड थ्री एंड जेड थ्री जेड वन, ठीक है। देखो ये वैल्यू इतना, ठीक है ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, प्लस का ट्वाइस जेड वन जेड टू जेड टू जेड थ्री और जेड थ्री जेड वन, ये आ गया। अब आप यहाँ देखिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का होल स्क्वायर, ये टर्म आपका सेम है, तो थ्राइस हो गया जेड वन जेड टू और जेड टू जेड थ्री एंड जेड थ्री जेड वन, ये आ गया। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री किसके इक्वल है माइनस थ्री ए, तो ये कंडीशन आप यहाँ रख दीजिए माइनस थ्री ए का स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा जेड वन जेड टू जेड टू जेड थ्री जेड थ्री जेड वन, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा थ्री वी, तो आप देख रहे हैं नाइन ए स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन बी, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो ये तो कंडीशन आपको प्रूफ करना था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी, देखिएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।